रामपुर का ही हमने वो लिया, इसमें एमएसपी में जो खरीद जो 2021 और 22 का जो आंकड़ा जो दिखा रहे हैं अभी विज्ञापन दे रहे वो कर रहे हैं, उससे अगर पहले भी हम उठावें तो ये है कि बिचौलियों के माध्यम से उसमें सरकारी अफसर उसमें है, जमकर लूट करी गई है। अकेले रामपुर में उनकी पोल खोल ली गई है, जिले में क्रय केंद्र खुले, एजेंसियों ने रिकॉर्ड 26,391 किसानों से कहा कि हमने खरीद करी, 11,000 इसमें से फर्जी किसान दिखाकर खरीद करी गई। अगर 26,000 किसानों से कहा तो 11,000 फर्जी किसानों से दिखाया गया इन्होंने, ये फर्जी किसानों से जो देख हमारा दस्तावेज जो अवेलेबल करवाए, 11,000 फर्जी किसान उसमें थे। इसमें एजेंसियां हैं जितनी भी इन्वॉल्व हैं, इसमें कुछ किसानों के नाम से जो फर्जी किसान दर्शाए गए हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें अधिकारी एजेंसी मिलर्स ये इसमें सब इन्वॉल्व इसमें पाएंगे। और आप दस्तावेज भेज रहे थे सरकार को भी, आपने कहा था चिट्ठी के रूप में, कैसे इसे भेज रहे हैं? नहीं, इसको भेजेंगे आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब भेजेंगे सरकार को। तो क्या जयप्रदा जी को भी बताएंगे? बताएंगे हम, ये देंगे उनको, चिट्ठी लिखेंगे आपके स्कूल जहाँ पे है आपके जमीन पे खेती हो रही। और क्या कोई और बड़ा नाम भी अभी संज्ञान में आया, क्योंकि रामपुर में कई और बड़े नाम भी ठहरे हैं वहाँ पर, तो कुछ ऐसा कोई नाम? वो तो जो कॉलोनी वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पर तो बहुत उनके जहाँ कॉलोनी बन रही, जहाँ पर सड़कें बन रही, उनके नाम अभी उजागर हुए हैं। अभी 3-4 खेती और देते रहेंगे, फिर